टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस को अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है, जिसकी कीमत 75,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना प्रभारी कोतवाली अनिल मौर्य और प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक भारती जाट के दिशा निर्देशन में कार्यवाही करते हुए आज प्रातः थाना कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक नीरज लोधी को सूचना के आधार पर ग्राम हनुमान सागर में भवानी लोधी के खेत में अवैध रूप से गांजे के पौधे लगे हुए पाए गए। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर भवानी लोधी को उसके ही खेत से पकड़ा गया है, जहां गांजे के पेड़ लगा रखे थे। पुलिस द्वारा मौके से 114 गांजे के पेड़ सहित आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की गई। बताया जाता है कि पौधों की कीमत 75,000 रुपये है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।